भारत देश में और से छोर तक चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनेक ऐसे रहस्य भी हैं जिनसे अभी तक पर्दा नहीं उठा है। कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई इसे देवी शक्ति, तो कोई भक्ति का एक ऐसा उदाहरण जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलता है। सिर्फ किताबों में ही नहीं, ऐसे चमत्कार साक्षात देखने को भी मिलते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दैवीय मंदिर की जिसके खास चमत्कारी शक्तियों के बारे में और किस्से कहानियों के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सतना के समीप ही स्थित सुप्रसिद्ध दैवीय स्थान मेहर की, जो कि एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को लेकर अनेक मान्यताएं हैं कि विंध्याचल पर्वत की चोटी पर स्थित इस मंदिर की महिमा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ भगवती के अनोखे स्वरूप के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दूँ कि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता भगवती की पूजा के लिए सबसे पहले आलाह आते हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार 600 साल पहले इस गांव में माता भगवती के अनन्य भक्त आलाह रहते थे। माता द्वारा सपने में दर्शन देने के बाद और माता के निर्देशानुसार ही उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी थी। ऐसा माना जाता है माता के चमत्कार एवं आशीर्वाद से वो आज भी इस गांव में मौजूद हैं और माता की पूजा करते हैं। इसका साक्षात सबूत हर रोज सुबह देखने को मिलता है इस मंदिर में। सुबह के 4 बजे जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो एक फूल जल के साथ माता के चरणों में मिलता है, जबकि शाम कपाट बंद करने से पहले मंदिर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है, तो ऐसे में यह शंका उत्पन्न होती है कि आखिर वह फूल माता के चरणों में सुबह कैसे आया, उन्हें कौन रखता है जबकि कपाट तो बंद कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, करीब सुबह के 2 से 4 बजे के बीच में मंदिर के अंदर से घंटियों की तेज तेज बजने की आवाज़ें आती हैं, जो कि अब तक रहस्य है। कहा जाता है कि यह मंदिर चमत्कारों से भरा है। यह चमत्कार इस मंदिर में कई कालों से होता आ रहा है, किंतु आज तक कोई आलाह को देख नहीं पाया है। मेहर में माता की बहुत ही चमत्कारी एवं अद्भुत प्रतिमा भी स्थापित है। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि आलाह के 10 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद उन्हें माता की यह प्रतिमा फलस्वरूप मिली थी। उसकी इस तपस्या के कारण माता ने प्रसन्न होकर आलाह को अमरता एवं अपनी भक्ति का चीर काल तक करने का वरदान दिया था। इसलिए मेहर माता का यह मंदिर अत्यंत चमत्कारी एवं खास है। यहाँ आने वाले भक्त आज तक कभी निराश नहीं गए हैं। जो भी यहाँ आता है माता के आशीर्वाद से वह सुखी संपन्न हो जाता है। इसलिए तो यहाँ राज्य के कोने कोने से माता के दर्शन करने लोग आते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।